देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर टू में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक सूटकेस है जिसकी डायमेंशन क्या है एटी सेंटीमीटर ब्रेथ है फोर्टी एट हाइट है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ऐसे तुम्हारे पास सौ सूट केस है सपोज करो ऐसे करके यहाँ पे यूँ लगे हुए हैं ना एक और लगा हुआ है ऐसे सौ सूट केस लगे हुए हैं ठीक तुम्हें इसे कपड़े से इसको कवर करना है ठीक उस कपड़े की लेंथ बतानी है कितनी उस कपड़े की लेंथ होगी ठीक है जो उसकी ब्रेथ है वो जो है 96 सेंटीमीटर है ठीक तो अभी तो हम इस पर तापुलन पर नहीं जाते हैं। अभी पहले हम क्या करते हैं एक सूट केस का टोटल सर्फिस एरिया निकाल लेते हैं क्यों टोटल सर्फिस एरिया क्योंकि पूरा कवर होना है तो टोटल सर्फिस एरिया निकलेगा एक का निकाल लेंगे तो फिर हम सौ सूट केस का एरिया निकाल लेंगे ठीक है फिर हम आगे इस पर आते हैं सही है क्लियर है तो चलो देखो बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे टोटल सरफेस एरिया क्योंकि सारी साइज़ कवर होनी है सूट केस की है ना तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूट केस निकालेंगे कितना हो जाएगा फॉर्मूला बताओ सब बच्चे टू इन टू एल बी जैसे मैं लिखती हूँ ना साथ में बोला करो तो तुम लोग को भी याद हो जाएगा ठीक है टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच ठीक है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एट्टी इंटू फोर्टी एट प्लस फोर्टी एट इंटू ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फोर इंटू एट्टी हो जाएगा करो जरा सा मल्टीप्लाई एट एट सिक्सटी फोर हो जाएगा थ्री एट फोर जीरो प्लस ये कितना हो जाएगा वन वन फाइव टू प्लस ये कितना हो जाएगा वन नाइन टू जीरो ठीक है सबको जरा सा ऐड करो तो कितना आ जाएगा सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ठीक मल्टीप्लाई करो टू टू 4, फोर टू वन जार टू टू नाइन जार एटीन टू सिक्स ट्वेल्व और थर्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगाना नहीं भूलना ठीक है ये तुम्हारा किसका है बेटा एक सूटकेस का है, सूट है टोटल सरफेस एरिया ठीक है मुझे ऐसे जो है सौ सूटकेस का एरिया चाहिए ठीक है तो लिख देते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ हंड्रेड सूटकेस कितना हो जाएगा हंड्रेड इन वन थ्री एट टू फोर कितना हो जाएगा वन थ्री एट टू फोर डबल जीरो ठीक है तो देखो बच्चों सौ सूट के इसका एरिया तो इतना आ गया इसका मतलब जो एक कपड़ा जो तापुलन का जो कपड़ा डलेगा उसका भी एरिया इतना होना चाहिए तभी तो इसे कवर करेगा तो हम क्या लिख देंगे एरिया ऑफ तापुल एरिया ऑफ तापुलिन क्या हो जाएगा बताओ यही हो जाएगा इतना ही तो तुम्हें कपड़ा रिक्वायर होगा ठीक फॉर्मूला क्या होता है एल एन टू बी इज इक्वल टू वन थ्री एट टू फोर डबल ज़ीरो ठीक है एक काम करते हैं हम ऊपर का रब कर देते हैं ना ठीक है तो यहाँ पे तुमको पता है कि इसकी ब्रेथ कितनी थी लेंथ तुमको निकालनी है ब्रेथ है नाइन्टी सिक्स ठीक तो मैं क्या करती हूँ इसको मैं सीधा सीधा अगर मैं नाइन्टी सिक्स से डिवाइड कर लूँ तो तुम्हारे पास लेंथ आ जाएगी ठीक है चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं जरा सा हम वन थ्री 96 टू फोर डबल ज़ीरो नाइन्टी सिक्स से करो ठीक है तो देखो नाइन्टी सिक्स वन जार नाइनटी सिक्स ठीक है तो ये कितना बचेगा तुम्हारे पास ये आ जाएगा दो ठीक है ठीक है आ जाएगा फोर यहाँ से ये टू आ गया तो नाइन्टी सिक्स इंटू फोर जाता है थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर ठीक तो ये कितना बचा अगेन तुम्हारे पास बच रहा है ये थर्टी एट यहाँ से फिर से एक फोर आ जाएगा फिर से ये फ़ोर टाइम्स जा रहा है ठीक है ये तो अब पूरा पूरा ही चला गया ठीक ये दो जीरो है दोनों जीरो लगा दो तो हम ये देख रहे हैं कि लेंथ कितना आ जाएगा वन डबल फोर डबल जीरो सेंटीमीटर्स ठीक है चाहो तो, तो तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो ठीक लेकिन अगर हम चाहें कि भाई ये फिर हम मीटर में कर देंगे तो हमको पता है दैट वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स ठीक है तो अगर ये सेंटीमीटर में गिवे ना मुझे इसे मीटर में करना है तो मैं क्या करूंगा इसको सौ से डिवाइड कर दूंगी तो ये मीटर बन जाएगा है कि नहीं तो यहां पर तुम इसको सौ से डिवाइड करो जरा सा तो ये हो जाएगा एक दो एक दो लेंथ इज इक्वल टू वन फोर्टी फोर मीटर्स ये तुम्हारी आंसर आ जाएगा ठीक है दोनों आंसर्स ठीक है चाहे तुम इसको सेंटीमीटर में करो चाहे तुम इसको मीटर्स में कर दो ठीक है